दरअसल आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी ओटर ने पहला ओपिनियन पोल किया है। इसमें उन्होंने तेलंगाना में क्या तस्वीर उभर सकती है इसका अनुमान लगाया है। तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि इस राज्य में उसकी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। पार्टी ने यहां पर जीत हासिल करने के बाद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया है। 2024 के पहले ओपिनियन पोल में तेलंगाना में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल में सामने आया है कि कांग्रेस को तेलंगाना में सरकार होने का फायदा मिलेगा और पार्टी 9 से 11 सीटें तक जीत सकती है। अभी तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही भारत राष्ट्र समिति BRS को नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में KCR की अगुवाई वाले BRS 3 से 5 सीटों पर सिमट सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसमें AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद सीट भी शामिल है। एबीपी न्यूज और सी ओटर के सर्वे में कांग्रेस को तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 17 है। 2019 के चुनाव में BRS को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई थी। AIMIM को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लोगों का तेलंगाना बनाने के वादे के साथ सरकार में आई है।